वापस से हम लोग ये टॉपिक पे आ जाते हैं। रेजिस्टेंस के लिए इतना इनफ है हमारा, ओम्स लॉ में इतना ही आ रहा है। ये जो मैंने आपको बोर्ड पे जो बना के दिखाया है, बोर्ड पे जो मैंने ड्रॉ करने की एफर्ट की है, वही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगेन मैं आपको खाली एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए ओम्स लॉ में क्या आ रहा है। अगेन, ओम ने किस पे काम किया? ओम ने काम किया वी एंड आई। क्या काम किया? रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम किया। ओम की एक एफर्ट थी कि ही वांट टू ड्रॉ द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई। ओके, ही वांट टू ड्रॉ द रिलेशनशिप, ही वांट टू एस्टेब्लिश। ड्रॉ का मतलब क्या? ही वांट टू एस्टेब्लिश, ही वांट टू एस्टेब्लिश सम रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई, एंड दैट रिलेशन इज व्हाट? आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। जनरल फॉर्म में जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है। आई का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैथमेटिकल स्टेप चालू करते थे। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इट कैन ऑल्सो, देखो मैं बीच बीच में जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ वही आपको आंसर के फॉर्म में लिखना है। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ज्यादा कुछ करना नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वही आप सुनोगे तो आप खुद भी लिख पाओगे 5 मार्क का आंसर, 4 मार्क का आंसर। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, वेर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली, जो मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में वो आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है, दैट्स ऑल। वेर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एज वी इक्वल्स टू आई आर। ओके, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एज वी इक्वल्स टू आई आर। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक बॉक्स में डाल देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे लिख देंगे वेर आर इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। जब भी आप ऐसा लिख देते हो इट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या हो जाता है? आपने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की साइन जो है वो हटा दी है और उसकी जगह पे इक्वल टू की साइन लगा दी। वो समझ जाएगा सामने वाला जो भी चेकर होगा, बंदा होगा, वो समझ जाएगा कि आपने क्या किया हुआ है, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटा दी है और इक्वल टू की साइन लगा दी है। सो व्हाट यू हैव डन इज, आपने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाई और उसकी जगह पे इक्वल टू की साइन लगाई। That is V equals to IR. And this formula and this mathematical formula is the Ohm's law. It is called the Ohm's law. That is the formula of Ohm. जो भी आपको लिखना है. Okay? Now, I can also be written as, the electric current can also be written as I equals to V upon R, या V upon R equal to I, कुछ भी लिख सकते हो आप. Okay? I equal to V upon R. And therefore, R is equals to V upon I. ठीक है ना, R equals to V upon I, यहां तक पहुंच गया। अब आपको क्या लिखना है, अब ये वाली चीज का डिस्कशन कर देना है, ये जो है ना ऊपर वाला चीज उसका डिस्कशन कर देना है। क्या लिखेंगे? We know that the electric potential difference has the unit of volt, electric current has the unit of ampere, and so the proportionality constant which is also known as resistance has the unit called omega. Okay? ओमेगा इन द मेमोरी ऑफ जॉर्ज ओम, इन द मेमोरी ऑफ जॉर्ज ओम मतलब उसके नाम पे से हम लोगों ने ये सिंबल डेवलप किया है। ओके, सो दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा, विच कैन ऑल्सो बी जनरलाइज्ड एज ओमेगा इक्वल्स टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। सो इफ वी टेक 1 वोल्ट ऑफ बैटरी एंड वी टेक 1 एम्पियर ऑफ करंट इन द सर्किट, देन इट इज द 1 ओमेगा ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। So that can be written as 1 omega is equals to 1 volt upon 1 ampere. Okay? 4 mark, शायद अब लाने आपको मुश्किल नहीं पड़ेंगे। So यही मेरे को आज डिस्कस करना था ओम्स लॉ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आई थिंक कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। यूट्यूब पे थोड़ी देर में मैं डाल देता हूँ दोनों वीडियोज आज के लेक्चर के। थैंक यू, आज का हमारा टॉपिक इतना है, आगे करा होगा तो शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रिवाइज करो, देखो बार बार जाके, कल का टॉपिक जिसने भी नहीं देखा हुआ है वो वापस से रिवाइज करे तो अच्छा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है उनको समझ में आ जाएगा, थरली रखा गया है। ओके, थैंक यू, यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम वेलकम।